2022। जी हाँ, आज आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका हमको आपको बेसब्री से इंतजार था, जिसका इंतजार हम अक्टूबर 2021 से कर रहे थे कि कब जो है हम पाकिस्तान से अपनी हार का बदला ले। जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमें 2021 वर्ल्ड कप में हरा दिया था, उसका बदला लेने के लिए आज आखिरकार वो घड़ी आ ही गई है। और जैसे कि आप जानते हैं कि टॉस हो चुका है और टॉस भारत ने यानी हमारी टीम ने, इंडिया ने जीत लिया है टॉस, और टॉस जीत कर एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि हम लोग सब देख ही रहे थे और जैसे कि हमने आपको पिच रिपोर्ट में भी बताया था, जो वीडियो हमने आपके लिए बनाई हुई है, पिच रिपोर्ट में भी हमने बताया था आपको कि भाई टॉस जीत कर पहले बॉलिंग ही करनी चाहिए, और वैसे ही रोहित शर्मा की टोली ने वही डिसाइड करा है और पहले इंडिया ने टॉस जीत कर बॉलिंग लेने का फैसला कर लिया है। और विराट कोहली के लिए ये मुकाबला जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके फैंस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि विराट कोहली का ये 100th T20 इंटरनेशनल मैच रहेगा, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी प्लेयर्स के लिए। तो देखते हैं कि क्या कुछ होता है आज के मुकाबले में और क्या टीम इंडिया अपनी हार का वो बदला, 2021 की हार का वो बदला ले पाती है नहीं ले पाती है, और देखते हैं कि कौन कौन से प्लेयर्स खेल रहे हैं इंडिया की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको जो सारे आंसर्स है आपके क्वेश्चंस के सारे आंसर्स इस वीडियो में मिल जाएंगे और पता लग जाएगा कि भाई कौन कौन से खिलाड़ी खेलते हुए नज़र आएंगे। तो आइए फटाफट से नज़र डाल लेते हैं इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही टीम्स की प्लेइंग 11 में, और देखते हैं कि कौन सी टीम कितनी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है और क्या हम हार का बदला, 2021 की हार का बदला ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। इसलिए देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को। इंडिया की प्लेइंग 11, रोहित शर्मा जो कि कप्तानी करते हुए हमें नजर आएंगे, केएल राहुल, उसके बाद विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव हमें नजर आएंगे स्काई के नाम से जिनको जानते हैं, दिनेश कार्तिक विकेट कीपिंग करते हुए नजर आएंगे, हार्दिक पांड्या, उसके बाद बात करें रविंद्र जडेजा की, रविंद्र जडेजा हमें खेलते हुए नजर आएंगे, उसके बाद भुवनेश्वर कुमार बहुत ही एक्सपीरियंस्ड बॉलर है, उसके बाद बात करें आवेश खान की तो आवेश खान भी हमें नजर आएंगे, उसके बाद युजवेंद्र चहल, युजवेंद्र चहल विकेट टेकर है, इनसे बहुत ही ज्यादा उम्मीदें रहेंगी कि भाई ये विकेट हमें निकाल के दे, उसके बाद अर्शदीप, अर्शदीप के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा ये मुकाबला, उसके बाद बात करें अगर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की, बाबर आजम कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, उसके बाद बात करें मोहम्मद रिजवान तो मोहम्मद रिजवान विकेट कीपिंग करते हुए नजर आएंगे, उसके बाद फ़कर जमान, इफ्तिकार अहमद, कुश्तिल शाह, आसिफ अली, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह आप जानते हैं कि अपना डेब्यू करने वाले हैं इस मैच से, उसके बाद हारिस रौफ और शहनवाज। तो देखा आपने दोनों ही टीम्स की प्लेइंग 11, अभी तक तो यही नज़र आ रहा है कि भाई जो भारतीय टीम है उनका पलड़ा थोड़ा सा भारी नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान की टीम के। देखते हैं पाकिस्तान पलटवार करती है या नहीं करती है, जैसे कि हमने 2021 में वर्ल्ड कप में देखा था कि पाकिस्तान की टीम ने पलटवार कर दिया था। हालांकि दोनों ही टीम्स को बड़े बड़े झटके पहले ही लग चुके थे बुमराह और शाहीन शाह अफरीदी के रूप में। तो देखते हैं कि क्या कुछ होता है, और कमेंट्स के जरिए आप भी हमें यह चीज़ ज़रूर बता सकते हैं कि आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है, क्या 8 साल बाद पाकिस्तान की टीम विजय प्राप्त कर लेगी भारतीय टीम में, या फिर से 9वीं बार हम एशिया कप में पाकिस्तान को हरा देंगे। कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ हमेशा की तरह अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और स्पोर्ट्स नेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।